नमस्कार स्टूडेंट्स, आज आपको ज्योग्राफी के तीसरे लेक्चर में लिए चलते हैं, जहां हम सोलर सिस्टम को आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए, सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, और सौरमंडल है क्या, वहां से हम चर्चा करेंगे। देखिए, सौरमंडल जो है सूर्य और सूर्य के परिवार, सूर्य के परिवार में क्या क्या आता है, ग्रह आते हैं, छुद्रिकाएँ आती हैं, क्षुद्र ग्रह यानी, और उल्का, उल्का पिंड, इन सब की चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य, सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य की। सूर्य ठीक है, हमारे सौर मंडल का मुखिया है सूर्य, ठीक है जी। तो हम बता दें कि हमारे सौर मंडल का 99.9% द्रव्य मैटर सूर्य में निहित है, सूर्य में निहित है, यानी जो भी कुछ है हमारे सौरमंडल की जान जो है वो क्या है, सूर्य है। सूर्य एक तारा है, ये हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। सूर्य एक तारा है जिसमें सतत ऊर्जा का, सूर्य एक तारा है जिसमें एक सतत ऊर्जा का प्रवाह है, और वो सतत ऊर्जा जो सूर्य में आ रही है वो आ रही है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। किससे बच्चों? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से, यानी न्यूक्लियर, बताइए फ्यूजन या फिजन? फ्यूजन, ठीक है। फ्यूजन जो होती है वो विखंडन होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो होती है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। अब ये नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो किस किस पर रही है, देखिए। तो इसको समझने के लिए हमको पहले सूर्य का कंपोजिशन समझना होगा कि सूर्य बना हुआ किस किस का है। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और आपको सूर्य का कंपोजिशन बनाते हैं। तो सूर्य का कंपोजिशन में देखिए, ये मान के चलिए आपका सूर्य है। सूर्य के कंपोजिशन में पहली गैस जो इम्पोर्टेंट है वो मान लीजिए 71% है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। कुछ लोग जो 71 point something बताते हैं, लेकिन आप 71% के आसपास मानिए हाइड्रोजन इसमें, और 26.5% है हीलियम, 26.5% है हीलियम, जो बाकी बचा 2.5% वो अदर है। अदर गैस में कौन कौन आएंगी? अदर में आएंगी लीथियम है, यूरेनियम है, ये अदर गैसेज में आएंगी, अदर कंपोजिशन में आएंगे, अदर तत्व में आएंगी। अब होता क्या है नाभिकीय संलयन में, होता क्या है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया? नाभिकीय संलयन में दो एटम एक साथ जुड़कर एक बड़ा एटम बना रहे होते हैं, और उस बड़े एटम को बनाने में ऊर्जा का, ऊर्जा जो है उत्सर्जित हो रही है, ऊर्जा जो है निकल रही है। तो ये सब चीज़ें सूर्य के कंपोजिशन पर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितने परसेंट हाइड्रोजन है? 71%, 26.5% हीलियम और 2.5 अदर। अदर में आप लीथियम और यूरेनियम मुख्यतः पढ़ते हैं, लीथियम व यूरेनियम, क्लियर है बच्चों? इसके बाद बात आती है कि सूर्य जो है, जैसे हमने बताया कि जब आपको मंदाकिनी पढ़ाई थी, आप पिछला लेक्चर जाके देख सकते हैं, तो हमने बताया था कि सूर्य जो है अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। जब अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है तो उसका जो सूर्य का जो परिक्रमण काल है वो कितना है? तो सूर्य का परिक्रमण काल, जो चक्कर लगाने का समय है, वो है 25 करोड़ वर्ष। परिक्रमण काल लगभग में है, कभी कभी 22 करोड़ वर्ष कह देते हैं, कभी 25 करोड़ वर्ष, तो लगभग जो है 25 करोड़ वर्ष की कैटेगरी में है। 25 करोड़ वर्ष में वो अपनी मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा कर रहा होता है, जिसको हम कॉस्मस ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्मस ईयर, ठीक है स्टूडेंट। इसको हम कॉस्मस ईयर यानी ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, यानी। और एक और बात आपको कहें, सूर्य अपने अक्ष पर जो घूम रहा है ना, वो पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। किससे? पूर्व से पश्चिम, ठीक है ना। ये भी बात क्लियर हुई कि सूर्य जो घूम रहा है अपने अक्ष पर भी घूम रहा है और उस पर भी घूम रहा है, तो वो अपने अक्ष पर जो है पूर्व से पश्चिम घूम रहा है। परिक्रमण काल 25 वर्ष हो गया,
कॉस्मस ईयर इस परिक्रमण काल को कहते हैं, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगा रहा है। तो वैज्ञानिक जो कहते हैं वो कहते हैं कि इसकी जो उम्र है वो 5 बिलियन वर्ष है। कितनी है? 5 बिलियन वर्ष। और पूरा जो जीवन काल है इसका, जो जीवन काल है यानी सूर्य का जो जीवन काल है वो है 10 बिलियन वर्ष। कितना? 10 बिलियन वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, यानी ये 10 बिलियन वर्ष जो है इसका जीवन काल है हो चुका है 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन वर्ष के बाद या तो ये क्रेसन वेवर बने, न्यूट्रॉन तारा बने, सुपरनोवा बने, नोवा बने, कुछ भी ये कन्वर्ट होगा। जैसे हमने बताया था कि मंदाकिनी में जो है वाइट डवार्फ, ज़्यादातर तारे वाइट डवार्फ बन जाते हैं यानी श्वेत वामन बन जाते हैं। तो हो सकता है कि ये क्या बनेगा उस पर डिपेंड करेगा कि इसके हाइड्रोजन जब ख़त्म होगी तो ये किस रूप में जाएगा। बात आती है कि एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है। तो सूर्य पर जो प्रकाश है, चलिए उसकी चर्चा कर लेते हैं। अलग अलग जगह थोड़ा बहुत डिफरेंस होता रहता है लेकिन जो एक एवरेज है 8 मिनट 16.6 सेकंड में ये पृथ्वी पर पहुंचता है। कितने मिनट में स्टूडेंट? 8 मिनट 16.6 सेकंड में। ये सर्वमान्य है, एक एवरेज है कि 8 मिनट 16.6 सेकंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। अब हम बात करते हैं कि सूर्य की संरचना की बात करते हैं थोड़ा सा, कि सूर्य में क्या क्या संरचना होती है, कैसे कैसे उसके लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो सूर्य का पहला जो पार्ट होता है अंदर का, एक तो कोर होता है, ये तो आप सब समझते हैं कि किसी का भी केंद्रीय भाग जो है वो कोर कहलाता है, और केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। और कोर का जो तापमान होता है, किसी भी तारे का जो कोर का तापमान होता है वो मैक्सिमम होता है। तो कोर की हम बात नहीं करेंगे, कोर के जो आसपास का भाग है उसको हम कहते हैं फोटोस्फीयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। हम इसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। इसके जो दूसरा पार्ट जो है, जो दूसरे इसके फोटोस्फीयर के जो आसपास का पार्ट है, हम उसको कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्या कहते हैं? क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर मतलब वर्णमंडल। इसको हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल। और जो इसका लास्ट का पार्ट है, जो बाहर का पार्ट है सूर्य के लास्ट पार्ट जो है उसको हम कोराना पार्ट यानी परिमंडल। हम इसको क्या कहते हैं? परिमंडल। कुछ बाह्य मंडल के नाम से भी इसको कहते हैं। तो ये परिमंडल, देखिए फोटोस्फीयर प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर वर्णमंडल, और बाहर का जो पार्ट है वो परिमंडल। परिमंडल के बारे में एक बात है कि सूर्य के चारों ओर एक, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एक पतला सा वातावरण होता है जो परिमंडल कहता है। और इसके लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कब दिखाई देता है। देखिए प्रकाश मंडल जो आपको सुबह दिखता है, क्रोमोमंडल, क्रोमोस्फीयर जो वर्णमंडल है वो आपको लाल रूप में जब आभा होती है तब आपको दिखता है, लेकिन परिमंडल केवल एक ही समय पर दिखता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। पूर्ण सूर्य ग्रहण अगर लग जाता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय में जो है आपको ये परिमंडल दिखाई देगा, इससे पहले परिमंडल नहीं दिखाई देगा। और एक और चीज़ हम आपको बता दें, इस परिमंडल से ही एक्स किरणें उत्सर्जित होती है। क्या होता है? एक्स किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें वगैरह जो निकलती हैं वो सब इसी से आती हैं। अब एक आती है कि सूर्य के जो ये सतह है, सूर्य के जो सतह है, लेयर हैं, इन पर एक लेयर दिखती है, काली रेखाएं की तरह की एक संरचना दिखती है, उसको हम क्या कहते हैं? फ्राउनहोफर रेखाएं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? फ्राउनहोफर रेखाएं, फ्राउनहोफर रेखाएं। ये क्या है? ये काली रेखाएं हैं जो सूर्य की सतह पर दिखाई देती हैं, ये स्पेक्ट्रम बना रही होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सूर्य के बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया है, फोटोस्फीयर वर्णमंडल और परिमंडल में ये बटा हुआ रहता है। परिमंडल जो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखता है जिससे एक्स किरणें विसर्जित होती हैं, और इसकी सतह पर फ्राउनहोफर काली रेखाएं मिलती हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं। बात आती है कि सूर्य के चारों ओर, इसको हटा देते हैं जी स्टूडेंट, हाँ जी, बात करते हैं कि
अब बात करते हैं हम ग्रह की, प्लैनेट, प्लैनेट की हम बात करते हैं। यानी सूर्य के चारों ओर जो आकाशीय पिंड घूम रहे हैं और एक निश्चित संरचना में घूम रहे हैं, एक निश्चित परिपथ को लेकर घूम रहे हैं, उनको हम ग्रह कह रहे हैं, जिनकी एक लिमिटेशंस हैं। तो अब इन ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में। देखिए, दो भागों में, एक है पार्थिव ग्रह। क्या है? पार्थिव ग्रह। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? इनर प्लैनेट भी इनको बोला गया है, इनर प्लैनेट, इनर प्लैनेट। अच्छा, ध्यान देने योग्य ये बात है कि इनर प्लैनेट, यानी पहले तो आपसे ये पूछ लिया जाए कि ग्रह हैं कितने, तो आपकी होना, आंसर होना चाहिए आठ। कितने ग्रह हैं? आठ। पहले नौ हुआ करते थे, प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, तो आठ हो गए। आठ को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से चार आपके पार्थिव ग्रह हैं और चार आपके जुपिटियन जोवियन ग्रह हैं, जुपिटर से आगे आगे के। तो चार ग्रह इनर प्लैनेट किस किस को कहा गया वो लिखिए जरा। नंबर एक बुध को कहा गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन है? बुध के जस्ट अगले। यानी देखिए, संरचना इस तरह की आती है, सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। चलिए, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और चौथा मंगल। ये चार ग्रह जो हैं पृथ्वी, सूर्य के निकटतम जो ग्रह हैं, बुध को हम अंग्रेजी में मरकरी, ठीक है जी, और इसको वीनस, इसको आप जानते ही हैं अर्थ, और इसको हम कहते हैं शायद मार्स, शायद नहीं, मार्स ही कहते हैं। तो दूसरी जो बात हम करेंगे, तो पार्थिव ग्रह किन को इनको कहेंगे? जो सूर्य के नज़दीक जो चार ग्रह हैं उनको हम पार्थिव ग्रह कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो सूर्य से थोड़ा दूर है उनको हम बृहस्पतीय ग्रह कहते हैं या बाह्य ग्रह कहते हैं। दूसरा कैटेगरी क्या है? जोवियन, बृहस्पतीय, बृहस्पतीय ग्रह, यानी जोवियन प्लैनेट, जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट में कौन कौन है? नंबर एक आपका बृहस्पति होगा, दूसरा आपका बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद आपका अरुण, ठीक है जी, अरुण के बाद आपका स्टूडेंट वरुण होगा, चौथा कौन सा होगा? वरुण। अंग्रेजी में हम बात करें तो जुपिटर, पता है ना स्पेलिंग, तो सबको पता होगा, सैटर्न, इसके बाद यूरेनस, और इसके बाद नेपच्यून। पहले नौवां ग्रह हुआ करता था प्लूटो, उसको बाहर कर दिया गया है। तो कौन कौन से चार ग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और देखिए स्टूडेंट, इसी तरीके से आप याद रखिए कि पहला ग्रह सूर्य के नज़दीक बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण, अरुण के बाद वरुण। तो ये आपको क्रम पता चल गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन कई बार मैंने एग्जाम्स में देखा है कि खुली आंखों से देखे जाने वाले ग्रह, ऐसे पूछ लेता है, खुली आंखों से देखे जाने वाले ग्रह जिनको हम ऐसे ही देख लेते हैं, तो वो कौन कौन से हैं? मैं लिख देता हूँ, यहाँ हटा दीजिए इसको। खुली आंखों से देखे जाने वाले ग्रह हैं आपके बुध, शुक्र, शनि, ठीक है ना, बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल। ये जो ग्रह हैं इनको आप खुली आंखों से देखे जाते हैं। ये जो बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, खुली आंखों से देखे जा सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ की यहाँ दो क्वेश्चन और लिए लेते हैं वन लाइनर टाइप, कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? सौर प्रणाली की खोज बताइए स्टूडेंट, सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो वैज्ञानिक हमको पहले भी आपसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं, कॉपरनिक्स, कॉपरनिक्स ने सौर प्रणाली की खोज की। इसके बाद ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए? ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए? ग्रहों की गति संबंधी नियम दिए आपने कैपलर ने। किसने दिए? कैपलर ने। तो दो क्वेश्चन आप ये भी याद रखेंगे कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? कॉपरनिक्स ने। ग्रहों की गति संबंधी नियम किसने दिए? कैपलर ने, ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हम धीरे चार ग्रह जो इनिशियली ग्रह है इस वीडियो में उनका चर्चा कर लेते हैं, चार अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले वन बाई वन, जैसे जैसे ये सूर्य के नज़दीक हैं उसी हिसाब से हम बात करते चलेंगे, यानी ग्रह का डिस्क्रिप्शन हम आपको दे रहे हैं। पहला है मरकरी, मरकरी यानी बुध ग्रह, ठीक है। बुध का, बुध में सुनिए, बुध ग्रह के बारे में चर्चा ये है कि बुध पृथ्वी के जिस उसमें पृथ्वी आती है यानी पार्थिव ग्रह का हिस्सा है। दूसरा, बुध सूर्य के नज़दीक है, सबसे छोटा ग्रह है, कोई उपग्रह नहीं है इसका, सबसे छोटा है, कोई उपग्रह नहीं, कोई भी इसका सैटेलाइट नहीं है। अब अच्छा, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इस पर एटमॉस्फेयर ना पाए जाने का एक कारण है कि ये दिन में सबसे ज़्यादा गर्म होता है, 427 डिग्री टेम्परेचर पहुँच जाता है। कितना पहुँच जाता है? 427 डिग्री टेम्परेचर दिन में पहुंच जाता है, और रात इसकी सबसे ज़्यादा ठंडी होती है, माइनस के 173 डिग्री टेम्परेचर रात में पहुंच जाता है। और इसका रीज़न ये बताते हैं कि भाई ये इसलिए गर्म हो जाता है, इसलिए ठंडा हो जाता है, क्योंकि इस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। इसके बाद जब सूर्य के नज़दीक है, अब एक बात बताइए कि सूर्य के जो नज़दीक है वो सूर्य की परिक्रमा जल्दी करेगा, भाई वो उसका जो पथ होगा वो ज़्यादा नज़दीक नज़दीक होगा, तो वो जल्दी से घूम जाएगा। तो इसका जो सूर्य की परिक्रमा करने का जो समय है वो मात्र 88 दिन है। कितना है? 88 डेज में ये सूर्य के आसपास घूम जाता है। अब कोई भी ग्रह है वो अपने अक्ष के आसपास भी घूम रहा है, अपने अक्ष के आसपास जब ये घूमने का समय लेता है तो 58.6 डेज में ये अपने आसपास घूम जाता है। कितने में? 58.6 डेज में अपने आसपास, और सूर्य के आसपास ये जो है 88 दिनों में सूर्य के आसपास घूम जाता है। लेकिन इसकी एक खूबी है कि इस पर जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध पर क्या पाया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र, यानी इस पर मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है। स्टूडेंट क्लियर है ना? यानी एटमोस्फेयर इस पर कोई नहीं मिलेगा, सैटेलाइट इस पर कोई नहीं मिलेगा, लेकिन इस पर मैग्नेटिक फील्ड अवश्य मिलता है। दूसरा, ये एंटी क्लॉक वाइज घूमता है। कैसा घूमता है? एंटी क्लॉक वाइज। एंटी क्लॉक वाइज सभी समझते हैं, पश्चिम से पूर्व घूमता है। ये कहाँ से कहाँ घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ध्यान दें स्टूडेंट, ये एंटी क्लॉक वाइज घूमता है, यानी ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो क्लियर हुआ, सूर्य के सबसे नज़दीक है, 58.6 दिनों में अपने अक्ष के आसपास घूम जाता है, 88 दिनों में ये परिक्रमण काल है इसका पूरा, यानी सूर्य के आसपास घूम जाता है। रातें इसकी ठंडी -173 डिग्री सेल्सियस होती है, और दिन सबसे गर्म 427 डिग्री टेम्परेचर तक ये जाता है। कोई एटमोसफेयर नहीं होता, कोई सेटेलाइट नहीं होता, लेकिन इस पर चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, एंटी क्लॉक वाइज ये घूमता है। चलिए दूसरे की तरफ हम बढ़ते हैं। दूसरा है आपका वीनस, शुक्र। कई बार क्वेश्चन शुक्र से पूछा गया है, तो उसको भी लिए लेते हैं। वीनस दूसरा ग्रह क्या है? वीनस यानी शुक्र ग्रह। अच्छा, शुक्र के बारे में चर्चा करते हैं। शुक्र में दूसरी ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि पृथ्वी के नज़दीक ग्रह। अब देखिए, पृथ्वी के आसपास जो है जब हम बात करते हैं, तो मान के चलिए अर्थ यहाँ है, तो यहाँ तो आपका शुक्र होता है, यहाँ आपका मंगल होता है, पृथ्वी बीच में है। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कन्फ्यूजन में डालने के लिए कि पृथ्वी के नज़दीक ग्रह कौन है। तो पृथ्वी के जो नज़दीक ग्रह आता है वो हमेशा से कौन सा रहेगा? शुक्र आएगा। शुक्र की जो दूरी है पृथ्वी से वो कम है, मंगल की जो दूरी है वो अपेक्षित तो शुक्र ज़्यादा है। तो ये पूछा जाए कि पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह कौन है, तो पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह आप क्या कहेंगे? पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह शुक्र है। तो पहले आप इसमें लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, या याद भी करते रहिए, इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है। पृथ्वी के नज़दीकी ग्रह है शुक्र, पहली बात। दूसरा, ये सबसे अधिक चमकीला है। कैसे? सबसे अधिक चमकीला है। अभी बात आएगी कि भाई टेम्परेचर तो बुध का ज़्यादा था, टेम्परेचर तो बुध का ज़्यादा था, और चमकीला है आपका शुक्र। तो शुक्र का क्या है चमकीले होने का? मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि इस पर कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस मिलती है 97%, यानी इसके एटमॉस्फेयर में 97% जो है CO2 मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, जिसकी एल्बेट पावर जो है
वो है 70% तक। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड विकृत नहीं होने देती ऊष्मा को, ऊष्मा को वहीं की वहीं लॉक कर देती है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड से ऊष्मा लॉक होती है तो ये जो ग्रह है ये सबसे ज़्यादा चमकीला हो गया। अब चमकीला होने के बाद इसको अलग अलग नामों से जाना गया। तो ये तो क्वेश्चन समझ आया ना स्टूडेंट, सबसे अधिक चमकीला किसकी वजह से है, CO2। और CO2 में ऐसा क्या है, एल्बिट पावर जो है उसकी 70% है। तो चमकीला होने के कारण इसको कुछ नामों से पुकारा गया, भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, ठीक है ना, भोर कहते किसको कहते हैं, मॉर्निंग को, शाम का तारा, शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार, ठीक है। अब भोर का तारा तो इसको पूर्व में कहा जाता है, शाम का तारा इसको पश्चिम में कहा जाता है, इसको और भी नामों से, क्योंकि पृथ्वी की जैसा है ये, पृथ्वी की बहन, बहन को एक शब्द और होता है भगिनी, बहन को ही क्या कहते हैं, भगिनी। तो बहन, पृथ्वी की बहन या भगिनी कहते हैं इसको। पृथ्वी का जुड़वा भी इसको नाम दिया जाता है, जुड़वा ग्रह, किसका जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा। और क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये आकार में और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा है। किस किस में, आकार में और द्रव्यमान में, द्रव्यमान समझते हैं ना, मास में। तो ये आकार में और द्रव्यमान में पृथ्वी के जैसा है, इसलिए इसको जो है क्या कहा जाता है कि ये पृथ्वी की बहन है, भगनी है, जुड़वा ग्रह है। शाम का तारा, भोर का तारा, क्योंकि ये चमकीला अधिक है, शाम के समय, सुबह के समय ये चमकता है, सुबह के समय पूर्व की तरफ और शाम की तरफ पश्चिम की तरफ चमकता है, तो इसको हम